हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका नाम है चॉपर। चॉपर बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्टर। आइए अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चॉपर। चॉपर बेसिकली एक स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल और कंट्रोलेबल डीसी आउटपुट वोल्टेज में। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि चॉपर एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। चॉपर बेसिकली एक हाई स्पीड स्विचिंग डिवाइस है जो कनेक्ट और डिसकनेक्ट करता है लोड को सोर्स से बहुत ही फास्ट और हाई रेट से, जिससे हमें आउटपुट में एक वेरिएबल चॉप्ड और कंट्रोलेबल डीसी आउटपुट वोल्टेज मिल सके। चॉपर इंक्रीज और डिक्रीज करता है डीसी वोल्टेज लेवल को आउटपुट साइड पे। तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा एसी ट्रांसफॉर्मर काम करता है, सेम वैसे ही हमारा डीसी ट्रांसफॉर्मर की तरह एक चॉपर काम करता है। मतलब ये हमारे डीसी वोल्टेज लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वैसे ही जैसे कि एसी ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑपरेशन की हेल्प से एसी के लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा है जिसे हम चॉपर कहते हैं, जिसका जो इनपुट है वो हमारा एक फिक्स डीसी वोल्टेज है। यह आपका फिक्स डीसी वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कॉन्स्टेंट है, जिसका आउटपुट हमें मिलेगा वेरिएबल और कंट्रोलेबल डीसी आउटपुट वोल्टेज। अब अपन देखते हैं सिंबल ऑफ चॉपर। चॉपर जैसा कि मैंने आपको बताया एक सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है, तो इसका सिंबल भी बिल्कुल एक स्विच के जैसा है। इसको एक डॉटेड बॉक्स के अंदर हम क्लोज करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि ये चॉपर का सिंबल है। चॉपर को जब हम क्लोज करते हैं यानी इस स्विच को जब हम क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगा केवल एक ही डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन में। चॉपर के लिए, इस स्विच के लिए बहुत सारे डिवाइस का यूज किया जाता है, जैसे कि लो पावर एप्लीकेशन में हम चॉपर के लिए यूज करते हैं जेटीओ का, आईजीबीटी का, पावर बीजेटी और पावर मॉसफेट, और हाई पावर एप्लीकेशन के लिए हम जनरली यूज करते हैं थायरिस्टर या इसको हम कहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इन इन डिवाइस की हेल्प से हम फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी या कंट्रोलेबल डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ चॉपर। इलेक्ट्रॉनिक्स में चॉपर सर्किट का बेसिकली हम यूज करते हैं पावर कंट्रोल एप्लीकेशंस के लिए, जहां पे हमें डीसी मोटर को कंट्रोल करना है, या बेसिकली हम यूज करते हैं जहां हमें कंट्रोलेबल डीसी पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बैटरी सप्लाई व्हीकल्स में, सबवे कार्स में, सोलर एनर्जी कन्वर्जन और विंड एनर्जी कन्वर्जन के लिए चॉपर का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक कार्स में, एरोप्लेन्स में, स्पेसशिप्स में, जहां पे हमें ऑन बोर्ड रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। चॉपर सर्किट का बेसिकली हम और भी जनरल जो यूज है वो है कंप्यूटर्स में, कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में। ऐसे जगह जहां पे हमें एक कंट्रोलेबल डीसी की रिक्वायरमेंट होती है हम चॉपर का यूज करें। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ चॉपर। चॉपर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एसी लिंक चॉपर एंड डीसी लिंक चॉपर। फर्स्ट एसी लिंक चॉपर। एसी लिंक चॉपर जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, बेसिकली एक टू स्टेज कन्वर्जन प्रोसेस है डीसी को कंट्रोलेबल डीसी में चेंज करने। मतलब एसी लिंक चॉपर की हेल्प से हम फिक्स डीसी को कंट्रोलेबल या वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए ये एक दो टू स्टेज प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेज में हम इन्वर्टर की हेल्प से फिक्स डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। अब जो हमें इन्वर्टर का आउटपुट मिला, मतलब जो एसी सिग्नल्स हमें मिले, उनको हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से स्टेप अप और स्टेप डाउन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर।
तो ये एक टू स्टेज कन्वर्जन प्रोसेस है। दो स्टेप होने के कारण जो एसी लिंक चॉपर होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, बल्की होते हैं, लेस एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनमें जो कन्वर्जन है वो टू स्टेज में होता है। दूसरा है डीसी लिंक चॉपर। डीसी लिंक चॉपर में हम डायरेक्ट चॉपर डिवाइस का यूज करते हैं, चॉपर सर्किट का यूज करते हैं और फिक्स डीसी को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं एडजस्टेबल डीसी। तो जो चॉपर सर्किट है उसको हम डीसी इक्विवेलेंट कहते हैं एसी ट्रांसफार्मर का। मतलब जैसे हमारे एसी ट्रांसफार्मर वर्क करते हैं वैसे ही हमारा डीसी ट्रांसफार्मर के लिए हम चॉपर का यूज करते हैं। इस टाइप का जो चॉपर है जिसमें केवल एक ही चॉपर सर्किट का यूज करके हम फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो कहलाता है डीसी लिंक चॉपर। और ये केवल वन स्टेज कन्वर्जन प्रोसेस है, इसीलिए ये ज्यादा एफिशिएंट है एसी लिंक चॉपर से। इसका एफिशिएंसी हाई होती है डीसी लिंक चॉपर की, रिस्पॉन्स टाइम लेस होता है और स्मूथ कंट्रोलिंग है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।